बागेश्वर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को शिकस्त देने का काम किया है। पहले राउंड में बढ़त लेने के बाद लगातार पिछड़ते चले गए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी मुख्यालय में जीत का जमकर जश्न मनाया गया है, जहां बम पटाखों के साथ मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आयातित प्रत्याशी बसंत कुमार के सहारे कांग्रेस ने जीत की तैयारी की थी, लेकिन आम जनता ने बीजेपी सरकार की नीतियों विकास कार्यों को देखकर वोट किया है। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीते आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पर ज़्यादा पैसा, पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी यही हुई है।